भाजपा के प्रत्याशी हैं आरा विधानसभा से अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनको एक बार फिर चुनाव में जीत दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आरा के जमीरा में पहुंचे। अमरेंद्र प्रताप के समर्थन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जनसभा को संबोधित किया, धारा 370 का भी उल्लेख किया और अमरेंद्र को जीत दिलाने के लिए लोगों से कहा। जमीरा में उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि अब बिहार में क्या भारत में आतंकवाद नहीं पनपेगा, धारा 370 कभी लागू नहीं होगा। सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में आज पहली बार था जब हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीण भी उतावले दिखे। खैर अब देख लीजिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। फारूक अब्दुल्ला साहब आरा की धरती, वीर कुंवर सिंह की धरती से अपने भाई बहनों बुजुर्गों के सामने, नौजवानों के सामने मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, एक नहीं 50 चीन भी आएगा तो हिंदुस्तान में 370 धारा फिर कभी लागू नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आतंकवादियों को पनाह नहीं मिलेगा, आतंकवादी सर उठाएगा उसका सर कुचल दिया जाएगा। आतंकवादियों को अब हिंदुस्तान में बिजाई बिरयानी खिलाने के लिए न नरेंद्र मोदी तैयार है न देशवासी तैयार है, तुम सर उठाने की कोशिश करोगे तुम्हारा नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के काल में एक भी सरगना नहीं आतंकवादियों का बचा है। भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। राजनाथ सिंह का फौलादी सीना, अमित शाह जी का दृढ़ संकल्प और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिज्ञा भारत को विश्व गुरु बनाने वाला है। चिंता मत कीजिए, आतंकवादी अब नहीं पनपेगा, पनपेगा तो 60 फीट जमीन के अंदर उसका दफन कर दिया जाएगा। और जिस समय पाकिस्तान की धरती पर आतंक है, कश्मीर की धरती पर जब पाकिस्तानी आतंकवादी मारा जाए, या आतंकवादी कश्मीर की घाटी का हो या पाकिस्तान का रहने वाला हो, बिहार के नौजवानों भाइयों बहनों माताओं अपने सीना को चौड़ा करके भारत माता की जय कहना, इसलिए कि आतंकवादी अगर को मारा जाता है तो बिहार का एक बेटा भी आतंकवादी को मार रहा है जो आपके सामने था। देश की सीमा सुरक्षित हो गई, आंख नहीं खुल जा सकता है हर प्रकार से। जब सोने की चिड़िया भड़क हुआ करता था उस समय हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत पर हमारी आर्थिक व्यवस्था करी थी, हमारा संस्कार हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर पर खड़ा था, हमारी एकता और अखंडता सांस्कृतिक विरासत से निकलती है, उस इतिहास से गवाह है। हम हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगे, उसके लिए जो भी करना होगा, जो प्रयत्न करना होगा हम सब करेंगे। किसको हिम्मत है हिंदुस्तान से लड़ने का, राफेल इंतजार कर रहा है जवाब देने के लिए। जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा उसका जवाब राफेल देगा, राफेल देगा। चिंता मत कीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ कर आए हैं, लेकिन बिहार में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः जब मुख्यमंत्री बनेंगे, यहां से अमरेंद्र बाबू और एनडीए के 7 लोग प्रत्याशी वीर कुंवर सिंह की धरती से जीत कर जाएंगे, जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण होगा, उसी दिन हिंदुस्तान की ताकत बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ेगी, केंद्र सरकार की ताकत बढ़ेगी। आपके पास विकास पुरुष के रूप में नीतीश कुमार जी, आज विकास भगीरथ के रूप में नरेंद्र मोदी जी है, भारत के शेर के रूप में है और हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया 6 वर्षों में। उनका नाम और काम आप देखिए, वैसे लोगों को मत चुनिए जिसमें पहले भी मुख्यमंत्री उसी परिवार से हुआ है, आगे भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। दर पीढ़ी अपने परिवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप कृपया उनको जवाब देकर उनको विफल बनाइए, उसको पराजित कीजिए, उस प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत कीजिए जो जाकर लेह और लद्दाख में कहते हैं, शान से कहते हैं कि मैं तो भगवान कृष्ण की मुरली की धुन को भी पूछता हूं तो मैं सुदर्शनधारी कृष्ण को भी आदर्श मानता हूं।
वैसे यशस्वी प्रधानमंत्री की हाथों को आप मजबूत कीजिए, वैसे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत तभी होगा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे और अमरेंद्र बाबू विजय प्राप्त करेंगे। आप सब मुझसे आग्रह कि इस आरा विधानसभा क्षेत्र से अमरेंद्र बाबू को कमल फूल पर बटन दबाकर आप लाखों मतों से विजय बनाइए और ऐसे लोगों को जवाब दीजिए जिसका सुर और ताल न बिहार से मिलता है, न आरा से मिलता है, न हिंदुस्तान से मिलता है। जिसका सुर ताल हिंदुस्तान से नहीं मिलता हो, बिहार और आरा से नहीं मिलता हो, आप सबों से नहीं मिलता हो, उसको इस धरती पर पनपने मत दीजिए, नहीं तो यह धरती अशांत हो।